हमारे पहले के जेनरेशन के पास कंफर्ट्स कम थे लेकिन शक्ति शक्ति ज्यादा थी। अगर हमने ध्यान नहीं रखा, क्योंकि हम वो बीच वाली जेनरेशन है, अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो हमारी अगली जेनरेशन के पास कंफर्ट सारे होंगे, कंफर्ट सारे होंगे। आप और मैंने एक एक चीज अपने घर की धीरे धीरे खरीदी है, खरीदी थी ना, पहले साइकिल आया, फिर स्कूटर आया, फिर गाड़ी आई, फिर घर लेने में तो कितना टाइम लगा। आज आपके बच्चों को सब कुछ, तो उनको कंफर्ट सारा मिलने वाला है। जिनको कंफर्ट मिलेगा बिना मेहनत किए, उनकी शक्ति तो वैसे ही, क्योंकि उनको ये ही नहीं पता कि बिना कंफर्ट के भी कोई जीवन हो सकता है। उनको ये ही नहीं पता कि जब चीजें मेरे अनुसार ना हो ऐसा भी कोई जीवन हो सकता है। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको कंफर्ट के साथ क्या दें, हम उनको कंफर्ट के साथ क्या दें। आज हर पेरेंट अपने बच्चे को कंफर्ट देना चाहता है। हम अपने बच्चों को सब कुछ दे दे अच्छा, लेकिन सब कुछ अच्छा बाहर, बाहर क्या? अगर किसी के पास सब कुछ अच्छा बाहर होगा तो वो जीवन में सफल होगा? अगर वो स्कूल में फर्स्ट भी आया हर साल, क्या वो जीवन में सफल होगा? नेसेसरी। लेकिन सफल होने के लिए उस आत्मा के पास क्या होना चाहिए? इनर पावर। इनर पावर मीन्स एडजस्ट करने की शक्ति, टॉलरेट करने की शक्ति, अलग अलग संस्कारों के साथ मिलाकर चलने की शक्ति, प्रॉब्लम आने पर स्टेबल रहने की शक्ति, औरों से प्यार से काम करवाने की शक्ति। ये सारी शक्ति कौन से स्कूल में देंगे? तो ज्ञान सरोवर में आकर ये शक्ति भर कर अब हमें अपने बच्चों को देने हैं। जब भी कोई कहता है ना, टाइम नहीं है हमारे पास मेडिटेशन करने के लिए, तो हम उनको यही कहते हैं, अपने लिए मत करो, नहीं है ना टाइम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए करो, अपने बच्चों के लिए करो। क्योंकि ये वो शक्ति है जो खुद अपने अंदर धारण किए बिना उनको दी जा नहीं सकती, दे नहीं सकते आप, क्योंकि वो खरीद के नहीं दी जा सकती, पका के नहीं दी जा सकती, वो यहाँ अंदर क्रिएट करके फिर दी जानी पड़ेगी। तो हमें अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है। ये समय की पुकार है। इस समय डिप्रेशन रेट हाई, सुसाइड रेट हाई, ऑन एन एवरेज इस टाइम जो स्टैटिस्टिक्स है, हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है इंडिया के अंदर। स्टूडेंट एवरी आवर वन इन द कंट्री। किसकी कमी? किसकी कमी? आंतरिक शक्ति की। और जो सुसाइड कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, वो नहीं है जो एग्जाम में फेल हुए हैं, वो नहीं है। तो ये नहीं सोचना कि जो एग्जाम में फेल हो जाते हैं वो ही ऐसी चीज करते हैं, नहीं। कुछ ऐसे भी करते हैं जिन्होंने टॉप किया था हमेशा अपने स्कूल में, क्योंकि बाहर की पढ़ाई का और अंदर की शक्ति का कोई कनेक्शन नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो क्लास में फर्स्ट आया था हमेशा उसके अंदर इनर पावर बहुत है। कई बार उस बच्चे के अंदर भय बहुत होता है, कई बार उस बच्चे के अंदर फर्स्ट आने का अटैचमेंट बहुत होता है, कई बार उस बच्चे के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोफेशन बनने का ही बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है। वो नहीं बना, इनर पावर। तो ये डिप्रेशन रेट जो बढ़ रहा है, सुसाइड रेट जो बढ़ रहा है,
बीमारियां जो बढ़ रही हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिश्ते रिश्ते छोटी छोटी बातों में आजकल कहते हैं बस अभी हमें इनके साथ नहीं रहना, हमें नहीं रहना। हमारे पास कितने लोग आते हैं ऐसा, हमें नहीं रहना इनके साथ। एक बड़े कपल आए कहते वी डोंट वांट टू लिव टुगेदर, आई सेड रीजन क्या है, नथिंग, वी डोंट फील लाइक। आई सेड अरे बहन बैठो, कोई रीजन तो होगा, आपको मारा वारा, आप पे हाथ उठाया, कुछ ऐसा। She said no. I said then why? Don't feel like. हम उस जेनरेशन की तरफ जाएंगे अभी कि मुझे ये क्यों नहीं करना, I don't feel like, क्योंकि वो बड़े ऐसे हुए थे ना कि तुम्हारा ये करने का मन नहीं, मत करो, you don't feel like, do what you feel like doing. आपको और मेरे को ऐसी चॉइस नहीं मिली थी कि do what you feel like doing, नहीं मिली थी ना, नहीं। हमारे मम्मी पापा ने कहा ये करना है, अभी ये बनना है, अभी ये होना है, हम करते गए। तो हमारे अंदर कौन सी शक्ति आ गई, हमारे अंदर कौन सी शक्ति आ गई कि जो कहा गया है वो करना है, मुश्किलें आएंगी उसमें अपना 100% देना है, शादी की है वापस नहीं आना है, एडजस्ट करते जाओ। करते गए, शक्ति बढ़ती गई बढ़ती गई। लेकिन जब ये ऑप्शन मिल गया कि घर आ जाओ, ऑप्शन नहीं था ना, जब ऑप्शन होता है तो फिर हमने उस ऑप्शन को क्या करना शुरू किया, बस। और जब वो ऑप्शन यूज होना शुरू हुआ तो वो धीरे धीरे ऑप्शन ज्यादा यूज होना शुरू हो गया। तो किसी ने कोई बड़ी बात के लिए अलग हुए होंगे आज, तो Now we are talking आज से 20 साल बाद। आपको नहीं लगता हमें अपने बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी देनी है? सिर्फ धन कमाकर देने से बच्चे और परिवार हमेशा सफल रहेंगे ये नॉट नेसेसरी है। तो हमें धन के साथ उनको क्या कमा के देना है, इनर पावर।